आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषिका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपने इस वीडियो में हम लेके आए हैं भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी के बारे में। माँ, मैंने एक कविता लिखी है, सुनोगी? माता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लेकिन तुम तो गणित का प्रश्न हल कर रही थी। हाँ, कर रही थी, पर वह समझ में नहीं आया। अभी तो एक कविता लिखी है। बेटी के बार बार कहने पर माँ उनकी कविता सुनने बैठ गई। उसी समय सरोजनी के पिता भी आ गए। 11 वर्ष की बिटिया के मुख से इतनी सुंदर सुरीली कविता सुनकर माता पिता गदगद हो गए। बेटी को शाबाशी देते हुए उन्होंने कहा, अरे तू तो गाने वाली चिड़िया जैसी है। माता पिता की यह बात सच हुई। आगे चलकर सरोजनी भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। सरोजनी का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय तथा माता बरदा सुंदरी की कविता लेखन में विशेष रुचि थी। सरोजनी को अपने माता पिता से कविता सृजन की प्रेरणा मिली। 12 साल की उम्र में सरोजनी ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। इंग्लैंड में सरोजनी का परिचय प्रसिद्ध साहित्यकार एडमंड गॉस से हुआ। सरोजनी की कविता लिखने में रुचि देखकर उन्होंने भारतीय समाज को ध्यान में रखकर लिखने का सुझाव दिया। इंग्लैंड में सरोजनी के 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। पहला द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, दूसरा द ब्रोकन विंग और तीसरा द सेप्टर्ड फ्लूट। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड की कुछ पंक्तियां, लिए बांसुरी हाथों में हम घूमे गाते, मनुष्य सब हैं बंधु हमारे, जग सारा अपना है। गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद सरोजनी नायडू राष्ट्र प्रेम तथा मातृभूमि को संबोधित कर कविताएं लिखने लगी। श्रम करते हैं हम कि समृद्ध हो तुम्हारी, जागृति का क्षण हो चुका जागरण, अब देखो निकला दिन कितना उज्जवल। इंग्लैंड से वापस आने पर सरोजनी का विवाह गोविंद राजुल नायडू के साथ हुआ। गोविंद राजुल नायडू हैदराबाद के रहने वाले थे और सेना में डॉक्टर थे। सरोजनी नायडू की भेंट गांधी जी से हुई। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में स्वयं सेवक के रूप में काम किया। गोपाल कृष्ण गोखले सरोजनी नायडू के अच्छे मित्र थे। वे उस समय भारत को अंग्रेजी सरकार से मुक्त कराने का कार्य कर रहे थे। सरोजनी नायडू गोपाल कृष्ण गोखले के कार्य से प्रभावित हुईं। उन्होंने कहा, देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देकर कोई भी ईमानदार व्यक्ति बैठकर केवल गीत नहीं गुनगुना सकता है। कवित्री होने की सार्थकता इसी में है कि संकट की घड़ी में, निराशा और पराजय के क्षणों में आशा का संदेश दे सकूं। सरोजनी नायडू का ज्यादातर समय राजनीतिक कार्यों में व्यतीत होता था। वे कांग्रेस की प्रवक्ता बन गई। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर स्वाधीनता का संदेश फैलाया। सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। उन्होंने अशिक्षा, अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करने के लिए लोगों से
अपील निवेदन की। उनका कहना था कि देश की उन्नति के लिए रूढ़ियों परंपराओं रीति रिवाजों के बोझ को उतार फेंकना होगा। 1925 ईस्वी में जब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं, तो गांधी जी ने उत्साह भरे शब्दों में उनका स्वागत किया और कहा पहली बार एक भारतीय महिला को देश की सबसे बड़ी सौगात मिली है। हृदय रोग से पीड़ित होते हुए भी सरोजिनी नायडू ने इंग्लैंड अमेरिका आदि देशों का दौरा किया। नमक कानून तोड़ो आंदोलन में गांधी जी की दांडी यात्रा में उनके साथ रही। सरोजिनी नायडू अद्भुत वक्ता थी। वे बोलना शुरू करती तो लोग उनके धारा प्रवाह भाषण को मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। उनके भाषण स्वतंत्रता की चेतना जगाने में जादू का काम करते थे। 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। आजादी की लड़ाई में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। अंततः भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। सरोजिनी नायडू जानती थी कि नारी अपने परिवार देश के लिए कितना महान कार्य कर सकती है। नारी विकास को ध्यान में रखकर वे अखिल भारतीय महिला परिषद ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की सदस्य बनी। विजयलक्ष्मी पंडित, कमला देवी चट्टोपाध्याय, लक्ष्मी मेनन, हंसा बेन मेहता आदि महिलाएं इस संस्था से जुड़ी थी। सरोजिनी नायडू का व्यवहार बहुत सामान्य था। वे राजनीतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के बावजूद भी गीत और चुटकुलों में आनंद लिया करती थी। युवा वर्ग की सुविधाओं की ओर उनका विशेष ध्यान था। सरोजिनी नायडू का विश्वास था कि सुदृढ़ सुयोग युवा पीढ़ी राष्ट्र की अमूल्य निधि है। सरोजिनी बहुत ही स्नेहमयी थी। प्रकृति से उन्हें विशेष प्रेम था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की मृत्यु पर जब देश भर में उदासी छाई थी, सरोजिनी नायडू ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा, मेरे गुरु, मेरे नेता, मेरे पिता की आत्मा शांत होकर विश्राम ना करे, बल्कि उनकी राख गतिमान हो उठे। चंदन की राख उनकी अस्थियां इस प्रकार जीवंत हो जाएं और उत्साह से परिपूर्ण हो जाएं कि समस्त भारत उनकी मृत्यु के बाद वास्तविक स्वतंत्रता पाकर पुनर्जीवित हो उठे। मेरे पिता, विश्राम मत करो, न हमें विश्राम करने दो, हमें अपना वचन पूरा करने की क्षमता दो, हमें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की शक्ति दो, हम तुम्हारे उत्तराधिकारी हैं, संतान हैं, सेवक हैं, तुम्हारे स्वप्न रक्षक हैं, भारत के भाग के निर्माता हैं, तुम्हारा जीवन काल हम पर प्रभावी रहा है, अब तुम मृत्यु के बाद भी हम पर प्रभाव डालते रहो। मार्च 1949 को जब वे बीमार थीं, तब उनकी सेवा कर रही नर्स से सरोजिनी नायडू ने गीत सुनाने का आग्रह किया। नर्स का मधुर गीत सुनते सुनते वे चिर निद्रा में सो गईं। मार्च 1949 को भारत कोकिला सबके लिए मौन हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें श्रद्धांजलि देते समय कहा था, सरोजिनी नायडू ने अपनी जिंदगी एक कवित्री के रूप में शुरू की थी। कागज और कलम से उन्होंने कुछ ही पंक्तियां लिखी थी, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी एक कविता, एक गीत थी।
सुंदर, मधुर, कल्याणमयी। साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको यदि ये वीडियो पसंद है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज उनका जन्मदिन है और इस वीडियो को शेयर करके उनके जन्मदिन को और मनमोहक, आनंदमय बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कृषिका ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।